हेलो फ्रेंड, गीता इज हियर एक्सपीरियंस द चेंज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी नीम पाउडर घर पर आसानी से सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, स्किन पर किस तरीके से अप्लाई करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उस बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नीम में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। नीम का हर एक पार्ट, स्टेम, लीव्स, रूट, फ्लावर, फ्रूट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बेनिफिशियल है। इससे हम पिगमेंटेशन, ऑयल कंट्रोल, डलनेस, ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, डैंड्रफ, इंसेक्ट बाइट्स एंड टैनिंग को भी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं नीम पाउडर कैसे बनाते हैं। तो घर पर ही नीम पाउडर बनाना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे घर पर नीम प्लांट अवेलेबल था तो मैं यहीं से ही नीम लीव्स जो है कलेक्ट कर लूँगी। अगर आप नहीं हो तो आप अड़ोस पड़ोस में ले सकते हैं। तो इतनी ही क्वांटिटी का मैं नीम पाउडर पहले बनाऊंगी। आप देख सकते हैं इस लीफ में जो है फंगस है तो इसे मैं लूक वार्म वाटर में थ्री टू फोर टाइम्स वॉश कर लूँगी। देन मैं इसे बॉयल वाटर में ऐड करूँगी। ध्यान रहे इसे ज़्यादा बॉयल मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बॉयल करेंगे तो इसका जो कलर है वो चले जाएगा, डार्क ग्रीन कलर में हमें पाउडर नहीं मिलेगा, लाइट हो जाएगा। तो इसे मैं पहले लुकवॉर्म वाटर में वॉश करूँगी। अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में नीम पाउडर का जो प्राइस देखते हैं तो 100 ग्राम 75 या फिर 110 में आता है। ये घर पर ही आप आसानी से बना सकते हैं, विद इन 5 रुपीज़ में भी आपको ये नहीं पड़ेगा। बॉइल्ड वाटर में नीम ऐड करने के बाद अब जो है ये रूम टेम्परेचर में आ गया है तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं पानी जो है बहुत ही साफ है, तो पहले 2 वॉश में बहुत गंदा था। तो इसे मैं एक प्लेट में फैला लूँगी। तो ये मैंने प्लेट में फैला के करीब 2 दिन तक मैंने रखा हुआ था। इसे धूप में नहीं सुखाना है आपको बिल्कुल भी। अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे तो ये फेड अवे हो जाएगा, इसका कलर जो है सारा चले जाएगा। तो इसे मैंने रूम में ही रखा था, अंडर बेड या फिर किसी भी ऊपर की जगह में आप रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सूख गया है, इसमें आवाज़ आ रही है जब मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस टाइम आप इसे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। पिंपल्स के लिए आप नीम पाउडर, सैंडलवुड पाउडर बराबर लेके पानी में मिला के आप इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर जहाँ पिंपल्स हो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओवरनाइट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। एंड इसे मैं पीस लिया है, इसे छलनी की मदद से हम इसे छान लेंगे ताकि हमें फाइन पाउडर मिल जाए। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इतने सारे बंच ऑफ लीव्स में हमें सिर्फ इतना सा ही पाउडर मिला है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क ग्रीन है, लाइट बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने इसे धूप में इसे सुखाया नहीं था। अगर आप इसे इंसेक्ट बाइट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो नीम पाउडर में थोड़ी बहुत कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। टैनिंग के लिए आप नीम पाउडर ले लें और उसमें रोज़ वाटर लगा के पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप अपने फेस पैक, जो भी फेस पैक आप अप्लाई करते हैं उसमें 1 टीस्पून जो है नीम पाउडर ऐड करके आप इसे लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। डैंड्रफ के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, जो भी ऑयल आप अप्लाई करते हैं उसमें 1 टीस्पून नीम पाउडर ऐड कर दें, 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर उस ऑयल को आप अप्लाई करें, डैंड्रफ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और आप मुझे फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट के जरिए मुझे बताएं आपको और किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।